रोडवेज की हड़ताल के समर्थन में कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो रणनीति तैयार कर बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के 52 वर्षों के इतिहास में यह दूसरी बार है जब रोडवेज कर्मचारी सप्ताह भर से ज्यादा समय तक हड़ताल पर हैं। उधर हड़ताल से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था तो जरूर की है, जो जरूरत से बहुत कम है और रोडवेज की बसों में सवारियों की जान को जोखिम में डालकर न केवल ओवरलोड चल रहे हैं बल्कि सवारियों को छतों आदि पर बैठाकर भी चल रहे हैं। इसके अलावा स्कूल व कॉलेजों में आने वाले विद्यार्थियों को भी वाहनों के पीछे लटक कर सफर करना पड़ रहा है, जो जोखिम भरा है। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ। प्रदर्शन क्यों? असल में जो 10 दिन से रोडवेज की हड़ताल चली हुई है और जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो अपनी जायज़ मांगों को लेके जो है सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन सरकार बातचीत की बजाय जो है हिटलर शाही का रास्ता अपनाए हुए है और जो यूनियन के लीडर्स हैं उनको कभी जेल में डाल रहे हैं, कभी रिहा कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि वो कोई आर्थिक अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कि सरकार जो है रोडवेज का निजीकरण ना करे। और वो सबके सामने भी है कि जो रोडवेज में 720 बसें लाने का जो फैसला सरकार कर चुकी है वो बीजेपी के ही लोगों की बसें हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक सरकारी बस बेड़े में आती है तो 7 पक्के कर्मचारियों को नौकरी मिलती है। इसलिए ये अकेले कोई रोडवेज के कर्मचारी की हड़ताल नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी पूरे हरियाणा के अंदर जो है रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर रही है। और अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले टाइम में जो है आंगनवाड़ी वर्कर भी एक बड़ा फैसला लेंगी और वो अपनी यूनियन के स्तर पे भी जो है हड़ताल का ऐलान करेंगी। हड़ताल का कितना असर पड़ रहा है आपके? हड़ताल का बहुत ज़्यादा बुरा असर है जी। जैसे मतलब सुबह घर से 8 बजे निकलते हैं और सेंटर में पहुँचते हैं 10-11 बजे के आसपास, फिर 2 बजे के आसपास चलते हैं, यहाँ से शाम को 6 बजे घर पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, यानी कि बस में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, उसमें लेडीज वगैरह भी होती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप स्टूडेंट हैं, आप किसको कसूरवार मानते हैं? इसके लिए सरकार कसूरवार है जी। देखो रोडवेज की बसें बहुत ज़्यादा ठीक हैं जी, बस पास वगैरह की सारी सुविधा हमें देती है। तो हम इसमें रोडवेज का मतलब मानते हैं, सही मानते हैं। विक्रम कालरम से हूँ, ठीक है। मेरे 468 मार्क से 10वीं में कंडक्टर का फार्म भी है और 2014 से होम गार्ड का जॉन हूँ, लेकिन भर्ती नहीं किया गया। जेपी विधायक ने भी यही बात की थी, कल अखबार में भी आया है कि जो धांधली हुई है 60 कंडक्टर 65 कंडक्टर, उस सरकार ने अपनी, अमित शाह ने भी झूठा वादा किया था कि नौकरियों में नियमित चल रही है और धांधली, बीजेपी झूठी सरकार है। और जो यहाँ परिचालक चालक प्रति कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है, सिर्फ अपने अपने बंदों को ला रहा है पानीपत का ठेकेदार, और बीजेपी सरकार अपने अपने बंदों को भर्ती कर रही है, ठीक है। मैं होम गार्ड का जवान हूँ, 2014 10 अप्रैल में मैंने ड्यूटी किया और मेरिट से 10वीं 12वीं डिप्लोमा लगी, लेकिन मेरे को भर्ती नहीं किया गया, ये मेन कंडीशन है। और जो ये चक्का जाम हम कर रहे हैं, युवा सभी कर्मचारी, सभी कर्मचारियों का ये कहना है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। अगर आज तो रोडवेज नकली हो गया, निजीकरण हो गया, कल ना बिजली वाला ना करेंगे, परसों ना जल विभाग वाला ना करेंगे, चौथा ना फिर और दूसरे महकमे की बारी आएगी, फिर भर्ती कहाँ से निकलेगी? 12,000 अगर रोडवेज की नई बस आएगी तो 60,000 कर्मियों की भर्ती होगी गवर्नमेंट, ये ठेकेदारी कर रही है सरकार, ठेकेदार। और जो ये मिल किलोमीटर स्कीम है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, 48 से क्या दिक्कत हो रही है? कितनी दिक्कत हो रही है? बसें बंद हो रही है, बहुत हो रही है भाई, तंग हो रहे हैं बस भाई। क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह है जी। बताओ, बस हड़ताल जो चली दर्ज हुई, किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? बहुत दिक्कत आ रही है जी, पब्लिक परेशान हो रही है। पता है, हम भी सरकार ने पकाए रखे हैं, हम भी कनेक्टर का पेपर का तरफिरन लग रहे हैं, कदम ड्राइवर लावा, कदम कनेक्टर लावा, रोज आन लग रहे हैं यार, कुछ नहीं और लग रहा। अच्छा, ऐसे हो रहा है। और उन्हें लग रहे हैं लिस्ट, 24-25 तारीख फार्म बन गई लास्ट डेट दी और लिस्ट ला दी ने 23 तारीख को ने। अच्छा, और अब क्या लगता है? वो ऐसे ही चल रहा है, प्रोपगंडा रच रहा है सर, सोता का।